गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर अत्यंत विश्वास करते हैं और बाबा जी के लिए हमेशा ही वह आगे रहते हैं और वह इस चीज़ को समझते हैं कि बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहेंगे। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की वीडियो जो है वह एक ऐसे मोची पर है जो बाबा जी पर अत्यंत विश्वास करता था। जब बाबा जी ने उसे 100 का नोट दिया तो उसने बाबा जी से क्या कहा। सात संगत जी, ये जो मोची था वह हिमालय में हिमाचल में रहता था। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हिमाचल में अक्सर जाया करते हैं, तो ये मोची भी जाया कर बाबा जी के देखने की राह देखता था। लेकिन ये बहुत गरीब था और बाबा जी की कृपा से इसकी एक छोटी सी दुकान थी और इसके घर में इसकी पत्नी और दो बच्चे थे। बड़ी मुश्किल से अपने गुजर बसर करते थे, लेकिन कभी भी इस बात के लिए उन्होंने खेद नहीं जताया कि हमें कम मिला है जब हम इतनी गरीबी में भर पेट खाना नहीं खाते। वे हमेशा ही बाबा जी का शुक्रिया करते थे कि बाबा जी आपने हमें ऐसी ज़िंदगी दी है और हमें आप जो है हमेशा ही अपने अंग संग रखें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। और वह जो मोची था वह जो दिन में जितने भी पैसे करता था उसमें से अपने लिए एक बुगनी निकाली थी जिसमें वह दसवंत निकालता था और कहता था जिस दिन ये बुगनी भर जाएगी मैं डेरे में जाऊंगा और ये सेवा डालूंगा, जिससे उसकी पत्नी भी उसका पूरा साथ देती थी। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और उसकी छोटी सी दुकान जो थी वह चलती थी, लेकिन उससे सिर्फ उसके घर का गुजर बसर होती थी। जो उसने बुगनी निकाली थी उसके में भी वह भर नहीं रही। वह कहता है भगवान कितने साल हो गए हैं लेकिन ये बुगनी जो है भर नहीं रही। वो कहती है मुश्किल से हमारे घर का गुजर बसर होती है और आप दसवंत निकालते हैं, आप इस बात की चिंता क्यों करते हैं? तो धीरे धीरे ये एक ना एक दिन भर ही जाएगी। तो वो कहता है तू ठीक कह रही है लेकिन मेरे मन में अभी भी शंका है। तो वो कहती है कैसी शंका है आपके मन में, मैं कुछ समझी नहीं। तो वो कहता है क्यों ना मैं ये काम छोड़कर कोई और काम छोड़कर शुरू कर लूँ। तो उसका पत्नी कहती है आप काफ़ी सालों से यही काम कर रहे हैं, अगर काम छोड़कर नया करेंगे तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाएगा, ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो वह कहती है ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा है लेकिन क्या करूँ। तो वो कहती है आप बाबा जी की रजा में रहिए, बाबा जी की कृपा से आपको सब कुछ मिला है और बाबा जी की कृपा से ही हमारा आगे काम भी चलेगा। तो वह खुश हो जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे पता लगा है कि अगले हफ्ते बाबा जी आ रहे हैं तो मैं उनका सत्संग सुनने जाऊंगी। तो उसका पति कहता है कि मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो वो कहती है कि आप क्यों नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि मेरा कोई ज़रूरी काम है, एक सेठ है और उसने मुझे जूते बनाने का काम दिया है, अगर मैं टाइम से उसके जूते नहीं बनाऊंगा तो कैसे हमारा गुजारा होगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बीच में सत्संग जा सकते हैं। वो कहता है अगर मैं जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उसी दिन तो मुझे उसके जो है वो देने हैं बूट, संडे के दिन उसके पूरी फैमिली के मैंने बूट बनाए हैं और मुझे अच्छी इनकम होगी। तो वो कहती है ठीक है अब मैं क्या कह सकती हूँ। और उसका पति कहता है ये बाबा जी की मौज है, अगर मेरे कर्मों में बाबा जी से मिलना हुआ तो किसी न किसी जरिए से बाबा जी मुझसे मिल लेंगे। वो कहती है कि आप पिछली बार भी नहीं गए थे, पिछली बार भी कोई काम निकल आया था। तो वो क्या कहता है
की ये नहीं है कि मैं सत्संग सुनने नहीं जा सकता, तुम्हें तो पता है डेरे गए हमें काफ़ी साल हो गए हैं। तो वो कहती है, आप चिंता मत कीजिए बाबा जी, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है। उसकी पत्नी कहती है, क्या हो गया? तो वो कहता है कि जब भी मैं बाबा जी का नाम सुनता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए बाबा जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक कह देंगे। तो इतना कहते ही वह चली जाती है और अपना काम करने लगता है। वह भी मोची जो है अपना काम करने लग पड़ता है। ऐसे ही संडे का दिन आता है। वह सुबह जल्दी जाकर अपने जो है उनके बूट बनाने लग पड़ता है और समय व्यतीत होता रहता है। दिन बीतते हैं तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बाबा जी के पास जाऊं, लेकिन वह क्या कर सकता था। तो एक दिन ऐसे ही वह काम बनाकर बूट बनाकर जो है वो सोचता है कि मुझे कई साल हो गए बाबा जी के दर्शन किए हुए, बाबा जी के दर्शन करने चाहिए। तो अब तो बाबा जी का सत्संग ख़त्म हो गया होगा, क्या पता बाबा जी यहाँ पर है चले जाएं। तो अब मैं अगर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तभी बाबा जी अपने ड्राइवर जी के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी जूती पॉलिश करने वाली है, तो यहाँ पर एक गली में मोची रहता है, मैं उससे अपना बूट पॉलिश करवा के आता हूँ। तब ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी आगे चले जाना, यहाँ पर एक बड़ी तंग गली है, आप कहाँ पर जाओगे और यहाँ से गाड़ी को बैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं खुद ही बूट पॉलिश करवा लेता हूँ। तब ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी आप इतनी तंग गलियों में क्यों जा रहे हैं, आप और भी तो जा सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे किसी से मिलना भी है। तब वह हंसने लग पड़ता है। ड्राइवर कहते हैं बाबा जी आपने यहाँ से किसको मिलना है? तब बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या पता कोई मुझसे मिलना चाहता हो। तब ये बातें सुनकर जो है ड्राइवर जी चुप कर जाते हैं और बाबा जी जो थे वे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं गली में तो एक तंग सी दुकान में जो था वो एक मोची बैठा था जिसका सिर नीचा था। और वह बाबा जी जब उसको कहते हैं कि तू मेरे बूट पॉलिश करेगा, तो वो कहता है कि हाँ सेठ मैं अभी फ्री हूँ, अभी जो है मैं किसी के बूट पॉलिश कर हटा हूँ, अगर आपने को काम है तो मैं आपके बूट पॉलिश कर देता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बूट तो मैंने पॉलिश करवाने हैं, लेकिन जो है अभी जल्दी है, तू मेरे बूट जल्दी जल्दी पॉलिश कर दो। तब वह बाबा जी की तरफ देखता नहीं है और नीचे मुंह कर बूट पॉलिश करने को कहते हैं। तो वह नीचे मुंह कर बूट पॉलिश करना शुरू कर देता है। जब दूसरा बूट पॉलिश करता है तो वो कहता है, सेठ आपके तो बूट बड़े ही कीमती हैं, अरे ध्यान से करना, क्या पता कोई दाग ना लग जाए। तब वो आराम से ही बूट को पॉलिश करता है। और जब बाबा जी उसे पूछते हैं कि बेटा कितने पैसे हुए, तो वो कहता है कि ऐसा कीजिए आप मुझे 10 रुपये जो है इस बूट पॉलिश के दे दीजिए। तब बाबा जी 100 का नोट निकालते हैं। तब वह कहता है कि मेरे पास सेठ छुट्टे नहीं हैं, आप ऐसा कीजिए कि छुट्टे पैसे दीजिए। तब बाबा जी कहते हैं कि आप ये रख लीजिए। तब वह कहता है कि हम ये नहीं रख सकते, हमारा जो बाबा जी हैं वे हमें हक कलाल की कमाई करने को कहते हैं, आप कृपा छुट्टे दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा कौन है वो तुम्हारे जो बाबा जी जो तुम
उनकी इतनी बात मानते हो और जो तुम्हें हक हलाल की कमाई के लिए कहते हैं, तो वो कहता है कि मेरे जो सेठ हैं वो डेरे में हैं। तो वो कहता है डेरा, बाबा जी कहते हैं कि डेरा तो यहाँ पर काफ़ी दूर है, काफ़ी समय हो गया होगा तुम्हें उन्हें मिले। तो वह कहता है हाँ, मेरे से जाया नहीं जाता। तब बाबा जी कहते हैं अरे मुंह ऊपर कर कर तो देखो। जब ये ऊपर मुंह कर कर देखता है तो उसका सारा शरीर कांपने लग पड़ता है। बाबा जी को देखकर वह इतना खुश होता है और कहता है सच्चे पातशाह आप। तो बाबा जी कहते हैं क्यों, मैं तुमसे मिलने आ नहीं सकता? तो वो कहता है कि बाबा जी आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं इस बात की यकीन नहीं हो रहा। तो बाबा जी कहते हैं यकीन करोगे तो तभी तो यकीन होगा। तो वह कहता है कि सच्चे पातशाह आपने मेरे पे इतनी कृपा की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम मुझसे कई काफ़ी देर से मुझे याद कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करूं, तुमसे मिलने के लिए लेट हो गया। तब बाबा जी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। तब वो कहता है कि सच्चे पातशाह आप मुझ तक आए हैं, मेरे इतने अच्छे कर्म आप तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो श्रद्धा और विश्वास से याद करता है तो मैं उसे पहुंचने ज़रूर आता हूं। ये लो पैसे और बाकी के पैसे तुम रख लो। तो वो कहता है नहीं नहीं सच्चे पातशाह मैं पैसे नहीं रख सकता, आप मुझे छुट्टे 10 रुपये दीजिए। बाबा जी कहते हैं अगर मेरे पास छुट्टे ना हो तो? तो कहता है कोई बात नहीं बाबा जी आप मत दीजिए। बाबा जी कहते हैं अरे अभी तो कहता है हक लाल की कमाई खानी चाहिए, अगर मैं तुझे पैसे ना दूंगा तो ये तो गलत बात होगी, तेरी मेहनत की कमाई तो तुझे मुझे देनी पड़ेगी। तब बाबा जी अपनी जेब से 10 रुपये निकालते हैं तो उसको देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह तुम हक लाल की कमाई कर रहे हो ऐसे ही हक लाल की कमाई करना, देखना एक ना दिन मैं मालिक उसकी तुम्हारी बरकत जरूर डालेगा और हमेशा ही जो है वह भजन सिमरन करते रहना। तो वो कहता है कि बाबा जी ये भजन सिमरन की ताकत ही है जो आपको मेरी तरह खींच लाई है, मेरे इतने अच्छे कर्म कहाँ कि आप मुझसे मिलने आए। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कर्मों पे मत जाओ, सिर्फ अपना जो है कर्म अच्छे बनाओ और हमेशा उस मालिक को याद रखो। तब बाबा जी कहते हैं अच्छा बेटा अब मैं जाता हूँ, मेरा बाहर ड्राइवर जी वेट कर रहे हैं। तब मोची जी कहते हैं कि बाबा जी मैं आपको छोड़ने आ सकता हूँ? बाबा जी कहते हैं बेटा मैं खुद चला जाऊँगा, तुम अपना काम करो। तो वो कहते हैं कि सच्चे पातशाह आज आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा इसी तरह हक कलाल की कमाई करते रहो और दूसरों को भी यही सिखाओ कि हक कलाल की कमाई करने से क्या होता है। तो वह मुची सारा दिन बैठा रोता रहा, घर आया तो घर आकर भी रोना शुरू कर दिया। उस परिवार से जो पैसे मिले थे वो अपनी पत्नी को दिए और पत्नी कहती है कि आप क्यों रो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, क्या आपसे जूता ख़राब हो गया? तब वह कहता है नहीं मुझसे जूता ख़राब नहीं हुआ, बल्कि आज मुझसे मिलने बाबा जी आए हैं। ये बातें सुनकर उसकी पत्नी भी रोने लग पड़ी और कहती है सच में बाबा जी आए, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तब बाबा जी वो कहते हैं कि जो बाबा जी पर विश्वास। तब उसकी बीवी कहती है कि आप बाबा जी से मिलने इतने सालों से नहीं गए, लेकिन आपके मन में था कि मैं बाबा जी से मिलूं, लेकिन ये बाबा जी आपसे मिलने आ गए हैं। तो वह बहुत रोता है तो वो कहता है आज से कोई भी काम हो पहले मैं सत्संग जाया करूँगा, तब ही मैं जो है बाकी काम किया करूँगा। तो वो कहती है कि ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, उस मालिक से मिलने से बढ़कर भी कोई काम हो सकता है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि हमेशा गलतियों से ही सीखा जाता है। तो गुरु प्यारी सात संगत जी अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई काम है तो
तो उस काम को छोड़कर सबसे पहले सत्संग जरूर जाया कीजिए, क्योंकि बाबा जी भी हमारी उड़ीक करते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।